Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com. आज अमृतसर के श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग अलग देशों से 90 राजदूत एयर इंडिया की उड़ान के द्वारा यहां पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत बैंड बाजों और फूलों के साथ सांसद गुरजीत सिंह औजला और पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह सुखो और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया गया। जापान के दौरे पर गए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आज राजधानी टोक्यो में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ मुलाकात की। बीती रात सिविल अस्पताल नाला में इतना सीनियर महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के समय नाला शहर के कांग्रेसी नेता ने बस लुकी की। इसमें गुस्से में आए हुए उसके स्टाफ के सदस्यों ने हड़ताल की और कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जब कांग्रेसी नेता प्रवीण कुकरेजा के साथ बात की गई तो उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को देखने बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना आएंगी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने उनका न्योता भी कबूल कर लिया है। आज नई दिल्ली में आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के विशिष्ट नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने बीती रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भारतीय क्षेत्र में फेंकी गई हीरोइन के साथ भरी हुई 3 प्लास्टिक की बोतलों को बरामद किया। इनका वजन 1 किलो 50 ग्राम बताया जा रहा है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए भी बनती है। हिंद पाक सैनी वाला सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बीती देर रात फिर ड्रोन उड़ने की खबरें सामने आई, जिनको गिराने के बाद बीएसएफ द्वारा की गई फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंद पाक सैनी वाला राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र में उड़ने वाले पाक ड्रोन की संख्या 3 बताई जा रही है। दीपावली से पहले ही टीम इंडिया ने देशवासियों को एक महाजीत का तोहफा दिया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की सेना ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराया और आज रांची टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को भारत ने 202 रनों से हरा दिया। भारत को टेस्ट सीरीज जीतने के बाद फ्रीडम ट्रॉफी सौंपी गई। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित शेल्टर होम में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लड़कियों के गायब होने की खबर सामने आई। हालांकि 1 लड़की को बरामद कर लिया गया जबकि बाकी लापता लड़कियों की तलाश जारी है। पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए भाजपा महासचिव राम माधवन ने कहा कि भारत का पड़ोस अब उनकी समस्या ही नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया को एक साथ आना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना चाहिए।